goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। मैं हूं जिज्ञासा सिंह और आप देख रहे हैं goodmorningnews.in। दशहरा के मौके पर पबजी का देसी वर्जन फौजी गेम्स का टीजर वीडियो जारी कर दिया गया है। बता दें कि भारत में पबजी बैन के बाद ही फौजी गेम का ऐलान किया गया था। फौजी गेम को बनाने वाली कंपनी एनकोर गेम्स ने ऐलान किया है कि फौजी गेम इस साल नवंबर में भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि नवंबर किस तारीख को गेम्स की लॉन्चिंग होगी इसकी जानकारी नहीं दी। एनकोर गेम्स की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बीते रविवार को एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है, प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे में फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स को विजय के लिए शुभकामनाएं दीजिए। इंडियन गेम डेवलपर कंपनी एनकोर गेम्स को फाउंडर विशाल गोंडल ने दावा किया कि गेम दूसरे इंटरनेशनल गेम जैसे पबजी को टक्कर देगा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की तरफ से भी एक ट्वीट करके फौजी गेम्स का टीजर जारी करके गेम्स के बारे में जानकारी दी गई। अगर टीजर वीडियो की बात करें तो उसमें कुछ सैनिकों के ग्राफिक्स को दिखाया गया है, लेकिन किन हथियारों से युद्ध लड़ा जाएगा फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। टीजर वीडियो में ग्राफिक्स कुछ खास नहीं लगे, लेकिन गेम्स अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है। ऐसे में शायद आने वाले दिनों में ग्राफिक्स के मामले में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। फौजी गेम को एंटी चाइना बेस्ड कहा जा सकता है। फिलहाल शुरुआती टीजर में वीडियो इसी बात का खुलासा कर रहा है। इस गेम का ऐलान भी ऐसे वक्त में हुआ था जिस वक्त भारत में गालवान घाटी की घटना को लेकर एंटी चाइना सेंटिमेंट उफान पर था। टीजर वीडियो में भी गालवान घाटी को प्रमुखता से दिखाया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फौजी गेम्स का पहला एपिसोड गालवान घाटी की घटना पर ही आधारित होगा जहां भारतीय सैनिक अपना शौर्य का प्रदर्शन करें। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।